शाम के बारे में क्या कहूँ, मतलब सबसे जो औरतों ने बेहतरीन काम किया है उनको फेलिसिटेट किया जाने वाला है, उनको अवार्ड्स मिलने वाले हैं उनकी जो अपनी अपने फील्ड्स में जिन्होंने एक्सीलेंस दिखाया एक वुमेन के लिए, एक वो एक बूस्ट होता है टू डू बेटर वर्क अहेड। सो सैवी अवार्ड्स इज ऑल अबाउट दैट। आपके अटायर के बारे में भी जानना चाहिए जो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। थैंक यू। बताइए कि क्या आपको चाहिए, ज्वेलरी या? हाँ जी हाँ जी, तो दिस इज एन आउटफिट फ्रॉम स्मिताशा व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, और इयररिंग्स और रिंग मैंने पहनी है अनमोल ज्वेलर्स की। इट्स या आई लव डायमंड्स एंड इट्स ऑल डायमंड्स। यस, That's what I just said. That's what I just said. That, you know, it's a great thing to give that much of boost and that much of confidence to a woman. Actually, you know, और जब एक औरत को अपने काम के लिए जब अवार्ड दिया जाता है तो उसके पीछे और 10 औरतें होती है जिनको वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर इन्होंने किया है तो हमको भी मिल सकता है, विच जस्ट गिव्स यू दैट मच ऑफ एनर्जी एंड दैट मच ऑफ मोटिवेशन, यू नो, टू डू बेटर वर्क इन देयर ओन लाइव्स। राम रतन, ओ द फिल्म इज़ कम्प्लीटेड ऑलरेडी, या द फिल्म इज़ स्केड्यूल्ड टू रिलीज इन अक्टूबर एंड द पोस्ट प्रोडक्शन विल लाइक द प्रमोशंस विल स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल एंड राइट नाउ दे आर इन द पोस्ट प्रोडक्शन फेज। वेल टू बी ऑनेस्ट आई हैव हर्ड थिंग्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन सोशल मीडिया और ऑब्वियसली आप ही के थ्रू मुझे पता चला है। मैं इतना जानती हूँ जब जय हो के टाइम पे रमेश जी ने मेंशन किया था रेस के बारे में, बट उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ और वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो गया। तो अभी क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो चीज़ के ऊपर मैं नहीं जानती हूँ, बट एज ए से लाइक आई डोंट नो, इट माइट बी अ रूमर, बट इफ दैट्स अ रूमर आई वुड रियली वॉन्ट इट टू बी हैपनिंग सून। थैंक यू, थैंक यू। सरप्राइज, क्योंकि जब ये पिक्चर की बारे में जब लोगों को पता चला था उसी टाइम से जो हाइप है इस मूवी की, तो आई एम नॉट रियली सरप्राइज। एंड व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, आई हैड सीन इट बिफोर, थोड़ा पहले देखा था मैंने ट्रेलर, तो मुझे देख के लगा था कि ये एकदम ऑडियंस इस पे कूद के गिरने वाली है इसके ऊपर इस ट्रेलर पे। सो आई एम जेन्युइनली नॉट सरप्राइज, बट अब जो है ना, जो एक्सपेक्टेशन का मीटर बहुत हाई हो गया है, सो अब तो हम सब फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं, अब तो जो करना था हमने कर लिया है, तो वो जो एक्सपेक्टेशन और जो बिल्डअप ऑडियंस ने हमारे को दिया ना, उस पर हम लिव अप टू कर पाते हैं नहीं, वो महीने डेढ़ महीने में पता चल जाएगा। सो अब वो काउंटडाउन शुरू हो गया हमारे लिए। और कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट का, जुड़वा 2 का? यार अभी जुड़वा 2 की शूटिंग पे थोड़ी ना आई हूँ मैं यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च। शूट का एक्सपीरियंस वो आपको मेरे सारे प्रमोशन के टाइम वही बात करूँगी मैं, वो आप मेरे से तब सुन लेना। मेरे को मेरे सारे गाने, मेरे को ऐसे नाचने गाने वाले गाने कम ही मिलते हैं, तो मेरे सारे फेवरेट हैं वो भी इस टाइम पे। ओके, तो आज की शाम से भी एक्सेलेंस अवार्ड है, तो क्या? हाँ जी, मतलब हालांकि मैं और मेरे और अवार्ड्स का नाता जो वो बहुत टॉम एंड जेरी टाइप का है, तो जो कुछ मुझे रिकग्निशन मिलते हैं वो भी इस तरह के, जो सिर्फ अपने एक एक टैलेंट को लेके नहीं होते, कुछ ओवरऑल अचीवमेंट्स को लेके होते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा महसूस कराते हैं कभी कभी, कि बिना कुछ मांगे दिए अगर कोई तुम्हारी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है कि तुम वर्दी हो कुछ जीतने के, जो कि तुम्हारी एक्टिंग के बियॉन्ड है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ बिकमिंग अ पब्लिक पर्सनैलिटी। क्योंकि अगर अपने स्टारडम या अपने एक्टिंग के थ्रू अगर आप एक ऐसी इमेज क्रिएट कर पाते हैं जिससे आप लार्जर ऑडियंस को अफेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है अपने आप में। सो वो सेलिब्रेट करने आज मैं आई हूँ। और
जी हाँ, काफ़ी सिनोनिमस है जिस चीज़ों के लिए मैं स्टैंड करती हूँ. मेरे लिए बेसिकली जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमेशा से, और उसी की डायरेक्शन में मैं काफ़ी काम करना चाहती हूँ, कर रही हूँ, और जहाँ तक हो पाएगा करूँगी भी आगे, क्योंकि मेरे लिए ये कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पर जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली टुडे क्योंकि माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज हैज़ डिज़ाइन दिस आउटफिट फॉर मी. पहली बार मैं उसका डिज़ाइन किया हुआ आउटफिट डाल रही हूँ. मनी, हर नेम इज़ मनी भाटिया, सो शी इज़ डिज़ाइन दिस आउटफिट फॉर मी स्पेशली फॉर दिस इवेंट. तो बहुत नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है जिसके साथ तुम पले बड़े हो, वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशली डिज़ाइन करके तुम्हारे को दे रही है. सो दैट्स वाई इट्स स्पेशल मनी. थैंक्स. ये मैगजीन की कवर पेज पे मैंने देखा अभी जस्ट, तो मतलब हॉट लग रही है आप. ओहो थैंक यू, अभी मेरा हॉट सीजन चल रहा है. ट्रेलर में भी हमने देखा था. हाँ मतलब मेरी समर स्टार्ट हुई है अभी. नहीं, आई थिंक एज एन एक्टर गियर चेंज करते रहना चाहिए, तो ये मेरा नेक्स्ट गियर है. इसके बाद शायद कुछ और बदलेगा. तो इससे अब इतना कहना चाहूँगी कि आपको मैं स्टीरियोटाइप नहीं करने दूँगी अपने आप को इतनी आसानी से. थैंक यू. Especially when it's about women, women empowerment, I like to start with these few lines. Largest democracy in the world and we're still talking about gender equality. Highest number of female goddesses, still we complain about domestic violence. We are about to reach Mars and we are still discussing women empowerment. That is the state of affairs here. But we still have hope. And that is what I can see right out here. I mean, I was so old when I got to know that the kind of women who are getting honored here, they are not just about one profession. Like Shana and Simam, she's not only just a designer, but a politician. And there was so, like Jayanti who just came, she's a stylist and an entrepreneur. So many of us don't just don one hat. And I'm talking about something beyond being a mother, a wife, a daughter, because trust me, those are some really heavy, heavy responsibilities. We all know that out here. Congratulations to all of you. I just want to share a small anecdote which gave me strength to carry on and move forward from where I started to where I've reached and further. I started off, I'm a BTech CSE, I'm a software engineer by qualification, but I started off in South. A few films down when I was trying to get a hang of acting, trying to still understand how does this film industry work, because I was fairly new and I never boasted about the fact that, oh, I'm a great actor and I should be the next big thing. It just fell in my laps and I just grabbed it. So in the beginning, of course, we tend to make mistakes and learn. And I started getting a tag of an iron leg just because I was a girl who went wrong in choosing a few films, and those films bombed. But not because of me, because I just had like 3 songs and 5 scenes in the film to do. Nothing more than that. But such was the fate that couple of films down, they were like, oh, she's an iron lad.
But for someone who doesn't know what angling here means, it's probably the biggest bad luck around. Turning the table and then reaching out here, doing a couple of films, which after knowing what acting is all about and how to probably go about in the industry, today I can go back and command what I really want to do, films, make them a success without having a hero in the film. I think the strength that I got to do all this was because of those tags and those failures that I received before. I just hope I'm sure all of us have received those kind of failures in life. All of us take strength from those and keep moving ahead, because if you've reached this far, I'm sure we can go ahead. Thank you. Thank you, congratulations. Can you please stay on stage with us? Yes. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Andrea. Ah, wow. What an amazing lineup of incredible women tonight. But it doesn't end here. Ladies and gentlemen, it's time to move the holistic health guru, Dr. Mickey Mehta, and the ravishing Pooja Baidi to give our next award. Our first awardee in the excellency category is a young, hard-working and passionate makeup artist. Akrika Khadra has an own makeup academy in Delhi and is a well-known makeup artist on the sets of many of film and TV shows. She loves her job and takes pride in helping people enhance their true beauty. Akrika Khadra, a big round of applause please for her. And the audiovisual, please. Fashion enthusiast and designer. She launched the Vasan College Hub to satiate the need of finishing, educate and image industry in India. Can we please welcome Ekta Tarun Vasan and congratulate her with a round of applause. We can do better, guys. The audiovisual, please. She believes in helping women realize the most fashionable, groomed, and well-polished selves. A huge round of applause for our next awardee, Kavita Malhotra. A big, big round of applause for Namita Chatha.
boys who are here tonight. Come on, guys. A final applause for the evening to inspire them to come here every year to be achievers forever. नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। थोड़ा नीचे बैठ जाओ यार। स्टील। अरे स्टील, नीचे बैठो। ए स्टील। There they are, there they are. Wait, 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 wait. Guys, please come on stage. स्टील। बैठ लेना है। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल योर बॉडीज। थैंक यू एंडिया, थैंक यू मिस्टर हेडा, थैंक यू टॉप फॉर बीइंग हियर विद अस टुनाइट एंड मेनी मोर कवर्स टू कम फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। दैट ब्रिंग्स अस टू द क्लोज ऑफ सेरेमनी टुनाइट। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग आउट टुनाइट टू सपोर्ट अस हैविंग वैक्सीन एंड मेकिंग इट even more special. We would like to thank Todd Santa Cruz for hosting us. A big, big thank you to you, and a special thanks to Seagram. To all those who have worked to make tonight a roaring success.